आज की शिक्षा भी प्रो अर्बन ही है। आज की शिक्षा भी अभी इल्जाम है इस शिक्षा के ऊपर कि ये जो अपने परिवेश की शिक्षा है उसको बहुत ज्यादा बात नहीं करी। जब लोक साहित्य की भी बात कल चल रही थी तो उसमें ये मुद्दा आ रहा था कि जो स्थानीय ज्ञान है, जो स्थानीय शिक्षा है, उसकी अवहेलना भी है अगर आप लोक साहित्य की अवहेलना करते हैं। लेकिन वो एक इस तरीके का शिक्षा देती है। तो औपनिवेशिक शिक्षा में ये बीज डालें, क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन अपनी चलती है, उसकी एक करंट चल रही है, उसमें कुछ चीजें चल रही हैं। उस करंट में जो चीजें चल रही हैं उसमें कुछ चीजें औपनिवेशिक शिक्षा कुछ नए आइडिया भी ला रही है, जिसको आप समाज सुधार का नाम देते हैं। तो वो राजा राम मोहन रॉय हो, या वो बुद्ध जो सती प्रथा हो, या बाल विधवा बाल विवाह हो, या कुछ भी हो, वो नए विचार भी, वो औपनिवेशिक शिक्षा कुछ इस तरह के विचार भी ला रही है जिसको हम सुधार की कैटेगरी में रख सकते हैं, लेकिन इस तरह के विचार भी। तो ये एक संघर्ष पैदा करते हैं, इस तरह की शिक्षा एक संघर्ष पैदा करती है, उसमें से कुछ विचार निकलते हैं। तो ये पूरा यात्रा इस तरह की दिखती है। अगर आज के संदर्भ में देखें, जिस बात को कह रहे थे कि वांछित समाज के तौर पे, आजाद होने के बाद हमने तय किया अपने लिए कि हम अपने समाज को कैसे देखें। आजादी के बाद जो बात जिसका उल्लेख हो रहा था कि संविधान में हमने बहुत क्लियरली देखा है कि हम कैसे देखना चाह रहे हैं अपने समाज को। तो समाज को देखें तो हम बहुत क्लियरली कहते हैं, अगर आप प्रीएम्बल देखें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, तो बड़ा साफ तौर पर है कि किस तरह का समाज हम देखना चाह रहे हैं। जस्टिस की बात करते हैं, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी की बात करते हैं, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन फेथ बिलीफ वर्शिप, इक्वेलिटी की बात करते हैं, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, एश्योरिंग डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। तो ऐसा कुछ समाज की परिकल्पना हमारी है कि भाई जहाँ जस्टिस है, सामाजिक आर्थिक न्याय का जो जस्टिस है, सामाजिक आर्थिक और पॉलिटिकल जस्टिस की बात है, और लिबर्टी जो थॉट की लिबर्टी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि समाज हमने संविधान में तो रखा, और अगर आप करिकुलम देखें तो करिकुलम भी इसकी बात कर रहा है। अगर आप पाठ्य पुस्तकें उठा के देखें, अगर आप करिकुलम उठा के देखें तो वो बात कर रहा है, उसके ऑब्जेक्टिव में है बहुत क्लियरली। ये आप पाठों को पढ़ के देखें तो उसमें ध्यान दिया जाता है कि सेकुलर वैल्यूज होनी चाहिए, या इक्वेलिटी के नोशन होने चाहिए, जेंडर इक्विटी का नोशन होना चाहिए। लेकिन क्या समाज बन पाया ऐसा? क्या हम बन पाए हैं अभी इन 70 सालों की जर्नी में? तो ये बड़े सवाल हैं। फिर क्यों नहीं बन पा रहे? फिर ऐसा क्या हो रहा है? तो उसमें अगर देखें तो शिक्षा समाज को कब बदलेगी? तो मैं अभी फॉर्मल एजुकेशन की बात कह रहा हूँ। तो फॉर्मल एजुकेशन पे, क्योंकि जो इनफॉर्मल आपका पूरा चल रहा है, पूरा जरिया चल रहा है, उसको डेंट करना पड़ेगा बार बार, क्योंकि हायरार्कियल सोसाइटी है, फ्रेगमेंटेड सोसाइटी है, वर्ण में बने हैं, रिलीजन में बंधे हुए हैं, और उसको डेंट करना पड़ेगा। तो मैं मन में विचार कर रहा था कि ये डेंट कर पाती है क्या शिक्षा? तो मुझको फिर अपना बचपन ध्यान आ रहा। जब मैं शिक्षा ले रहा था तो बचपन में मुझको याद है, मैं गांव में रहता था, पहाड़ में ही रहता था, तो बहुत छुआछूत था वहाँ पे। और मैं उसको याद है कि मैं उसको तोड़ता था, मैं कहीं जाके पानी भी पीता था, किसी को जाके छू भी आता था। तो मुझ पर वो कहाँ से आ रहा था? तो मुझको समझ में आता कि वो मेरी फॉर्मल एजुकेशन से मुझ में आ रहा था। अगर मैं अपनी दादी की बात सुनता, अगर मैं अपनी मदर की बात सुनता, शायद वो नहीं आती बात, लेकिन कहीं से वो बात आ रही थी। तो इसका मतलब ये भी कहना अनुचित होगा कि फॉर्मल एजुकेशन को वो पावर नहीं है कि वो ला पाए इसको। तो फॉर्मल एजुकेशन के पास वो ताकत है, वो ताकत है, उस ताकत से वो आगे उसको ले जा सकते। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं सुनना चाहूँगा एक्चुअली, आज मैं ज़्यादा सुनने के लिए आया हूँ। तो मैं अपनी बात को समराइज करना चाहता हूँ, समराइज इस बात के साथ करना चाहता हूँ कि समाज और शिक्षा का बहुत क्लोज रिलेशन है, और शिक्षा एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है जो कि समाज को बदलने की प्रक्रिया में रहती है, समाज में नए सवाल खड़े करती है और उसको बदल भी सकती है। फॉर्मल एजुकेशन को बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। मेरे ख्याल से जगमोहन, एक सवाल आपका है कि कक्षा कक्षा में क्यों नहीं हो रहा, तो उसको ले लेता हूँ। तो जगमोहन भाई का सवाल अभी मुझको याद आ रहा, आखिरी सवाल था उनका कि ये कक्षा कक्षा की प्रक्रिया में क्यों नहीं हो रहा है। तो अगर हम देखें कक्षा कक्षा की, हम तय तो कर रहे हैं कि हमको ऐसा समाज चाहिए जो जस्टिस हो, इक्विटी हो, लिबर्टी हो, ये सब कुछ हो। लेकिन जो वाहक हैं शिक्षा के, वो कितना अवेयर हैं इन ऑब्जेक्टिव्स के साथ? अगर उनके क्लासरूम प्रोसेसेस में ये चीजें होती हैं, अगर वो अवेयर हैं लगातार इस बात से कि
कि ये संवैधानिक वैल्यूज हमने ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हमने तय की हैं और इन वैल्यूज के थ्रू हमको बात करनी है, तो फिर बहुत क्लैरिटी होगी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको कि जैसे अभी एक बहुत बड़ा विमर्श चल पड़ा था नो डिटेंशन पे या कॉर्पोरल पनिशमेंट पे, तो मैं कॉर्पोरल पनिशमेंट का आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि कॉर्पोरल पनिशमेंट पे बहुत सारी बात होती है। तो कॉर्पोरल पनिशमेंट में मैं सिंपली लोगों से जब भी मेरी बात होती है मैं उनसे सिर्फ दो बातें कहता हूँ कि भाई कॉर्पोरल पनिशमेंट को आप अगर मानते हो कि इससे सीखते हैं, हमने तो ऐसे ही सीखा, कई लोग कहते हैं वो उसको तो थप्पड़ मारा था तब से मेरे को बीजगणित के सूत्र याद हैं, तो अगर कॉर्पोरल पनिशमेंट से सीखते हैं तो आप दो चीजें बच्चे को दे रहे हैं। आप शिक्षा तो दे रहे हैं, आप शिक्षा में क्या गणित पढ़ाना ही शिक्षा है, उसके अराउंड भी शिक्षा है पूरी, गणित पढ़ाई कैसे जा रही है इसमें भी शिक्षा है, तो क्या वैल्यूज ले जा रहा है पता, बीजगणित के सूत्र तो रट गए लेकिन वैल्यूज कोई दूसरी ले गया। तो दो वैल्यूज आप दे रहे हैं, एक वैल्यू दे रहे हैं कि वॉयलेंस काम करती है, अगर आपके कंट्रोल में अगर कोई चीज नहीं हो तो वायलेंट हो जाओ, काम करती है वायलेंस, तो आपने एक वैल्यू दे दी, पकड़ा दी उसको। दूसरी वैल्यू दी कि जब आप पावर में हो तो आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो, आप ऑप्रेस कर सकते हो किसी को, तो टीचर और स्टूडेंट, तो आप इस तरह का बिल्ड करते हो अगर कॉर्पोरल पनिशमेंट में जाते हो। तो अगर आप ये दो वैल्यूज दे रहे हैं तो फिर आप कैसा समाज बनाएंगे, कल को आप कहोगे कि मेरे बच्चे को पीट दिया है किन्हीं और बच्चों ने, तो वॉयलेंस आपने तो सिखाई है उसको, वॉयलेंस कहीं से उसको तो पता है वॉयलेंस काम करती है, अपने काम निकलवाने तो वॉयलेंस काम करती है। तो ये इस तरह की बातें हैं। तो अब फिर से समराइज कर देता हूँ, तो समराइज करने में ये है कि भाई शिक्षा है, शिक्षा का समाज से रिलेशन है, बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशन है, और ये बदलाव की प्रक्रिया में मदद करती है, और शिक्षा में फॉर्मल एजुकेशन से तभी बदलाव आ सकता है जब फॉर्मल एजुकेशन के वाहक अध्यापक, मैं विशेष तौर पर कहूँगा अगर जो क्लासरूम में बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, अगर वो इन वैल्यूज के साथ पढ़ाना शुरू करें तो वाकई समाज बदलेगा, उस दिशा को बदलेगा जिस दिशा को हम ले जाना चाह रहे हैं। धन्यवाद।